प्राचीन युग में कथाओं में हमने उड़न खटोले का जिक्र हमेशा से होते हुए सुना है। अब चाहे वो रामायण में हो, रावण सीता हरण के लिए यूज किया हो, या फिर महाभारत के प्राचीन युग में हो, हमेशा से ही हमने उड़न खटोले जैसा शब्द अक्सर सुना है। लेकिन जब भी हवाई जहाज के आविष्कार की बात आती है तो हमारे जहन में सिर्फ राइट ब्रदर्स का ही नाम आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सन 1903 से तकरीबन 8 साल पहले ही मराठा के डॉक्टर तलपड़े ने अपनी बीवी के साथ हवाई जहाज का आविष्कार किया था और उसको 1500 फीट तक उड़ा के नीचे गिरा दिया था। यानी इसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि भारत हमेशा से ही आविष्कारों की जननी रही है। ऐसे कई आविष्कारी आए, उन्होंने अपने अपने आविष्कार किए, लेकिन वो कहीं गुमनामी की चादर में गुम हो गए। उनके नाम इतिहास में या फिर आज प्रेजेंट में भी अभी नहीं आ पाए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आविष्कार तो किए पर वो आम आदमी के जहन में अपना नाम नहीं बना पाए। और ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा इसमें बिताया है। तो एक ऐसे ही क्रांतिकारी मिस्टर ललित चूड़ीवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। पहले आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। और दिल्ली का रहता हूँ, शाहदरा नहीं। और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। 2010 से मैं अपने मेरे अंदर एक जुनून आया था और उसमें मैंने अपना कुछ अलग करने के लिए कुछ सोचा था कि ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, समाज को कुछ देना है। उसके लिए मैंने एक रिसर्च पे काम करना शुरू किया। जी, तो मुझे आप बताइए कि क्या रिसर्च है आपका, ये क्या प्रोजेक्ट है, थोड़ा ब्रीफ में बताइए इसके बारे में। ओवरऑल मतलब है क्या आपका ये प्रोजेक्ट? ये एक केमिकल रिएक्शन है जिससे हम एनर्जी को बहुत अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल रिएक्शन है, सिंपल चीज़ें हैं। इसके अंदर मैंने मरकरी को इस्तेमाल किया है, जो मरकरी जो हमारे थर्मामीटर में लगता है ना, उसको यूज़ करके उसको मीथेन के साथ मैंने केमिकल रिएक्शन करा रहा है जिससे मीथेन के एनर्जी प्रोड्यूस करती है बहुत ज़्यादा लेवल पे। और बहुत आगे की रिसर्च है, ये टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर है ये एक तरीके से, और आने वाले टाइम में इसका बहुत उपयोग है। तो आपकी ये जो रिसर्च है, मतलब आप जो ये सब बता रहे हैं, तो इसका आम आदमी से क्या लेना देना है? मतलब मैं एक, जैसे कि मैं एक आम आदमी हूँ, तो मैं आपका ये क्यों सुनूं? ऐसा क्या है इसमें कि मैं बैठूं और आपका ये पूरा प्रोजेक्ट सुनूं? आम आदमी को क्या फ़ायदा है आपके इस प्रोजेक्ट से? आज हमारी जरूरत है एनर्जी की, हर इंसान की, बिजली की, किसी हर फील्ड के अंदर। और उसके लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे प्रोजेक्ट से जब ये आएगा और तो हमें ना तो कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, ना गैस की ज़रूरत पड़ेगी, ना न्यूक्लियर की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिला के 100% रिन्यूएबल एनर्जी है। और जो बिजली की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 20-30 पैसे पर यूनिट के आसपास रह जाएगी। 100% पॉल्यूशन फ्री, समाज को एक स्वच्छ हवा मिलेगी, लो कॉस्ट मिलेगी। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो बिजली हमें इतनी महंगी पड़ रही है आज के टाइम पे, मतलब जो उसका पूरा प्रोसीजर है, जो लोगों के थर्मल स्टेशन से जो लोगों के घरों तक जो बिजली पहुंचती है, जितना उसका रेट है, आप उसको कम कर देंगे, आप उसको आधा कर देंगे, आधे से भी बहुत नीचे। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद जो हम उसके अंदर थर्मल पावर स्टेशन में कोयला इस्तेमाल करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अच्छा। तो जब चीज़ें बचेंगी, हमारे पास रिसोर्सेज बचेंगे, तो ये हमारे अर्थ के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। जैसे अगर हम कहें कि जितनी भी यूएई की कंट्रीज हैं वहाँ पे अब क्रूड ख़त्म हो गया, कहते हैं कि 20-30 साल के बाद क्रूड ख़त्म हो जाएगा, ऐसे कोयला भी ख़त्म हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, हमें कुछ नए तरीके चाहिए जिससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें और हम अपनी जरूरतों को उससे पूरा कर सकें। तो मतलब ये सब सुनकर हम आपको एज अ फ्यूचरिस्ट भी कह सकते हैं कि आप फ्यूचर के लिए चीज़ें अभी से मतलब जुट गए रिसर्च करने में अपनी चीज़ें। हाँ, साइंस इन्वेंशन ये फ्यूचर को देखकर ही, उसकी भविष्य की डिमांड को देखकर ही प्रेजेंट में काम किया जाता है, नाम ही यही है। अच्छा, तो आप
कितने समय से मतलब ये रिसर्च कर रहे हैं, कब से इसमें बहुत पढ़ाई लगती होगी, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी रिसर्च है इसके हिसाब से तो मतलब आपने नोट्स वगैरह पूरे जितने पेपर लिए होंगे उतने कम पड़ जाएं, क्योंकि इतनी पढ़ाई की ज़रूरत होती है इन सब साइंस में, रिसर्च में। तो मतलब आपने कितनी पढ़ाई की है इसमें? मैंने 2010 के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था और मोर देन 10,000 से ज़्यादा पेपर्स मैंने इसके ऊपर सर्च किए हैं, पढ़े हैं, उनको देखा है और उनमें से अपने मतलब की चीज़ों को निकाला है और एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है कि हमें इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं और उसको एक शेप दी है, तो आप समझ सकते हैं। तो यही क्यों मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी ही क्यों आपने चुना कि मेरे को इसी पे रिसर्च करनी है? हीट एनर्जी तो बाद में आई। मुझे एक मैंने टीवी के अंदर एक वो देखा था, एक प्रोग्राम आ रहा था आज तक चैनल के ऊपर, जिसके अंदर माता सीता के वो बता रहे थे कि उस टाइम जो पुष्प विमान थे वो मरकरी से चला करते थे जी। तो वो मैंने क्लिक किया कि यार उस टाइम के विमान मरकरी से चला करते थे, तो मैंने वो मरकरी जो हमारे थर्मामीटर में यूज होता है वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए छोटे छोटे घर में। बहुत खतरनाक था, बहुत मास्क पहनता था उस टाइम, डर लगता था और धीरे धीरे पेपर्स पढ़ना शुरू किए, एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, तो उससे एक चीज़ निकलती बनती चली गई कि हाँ भाई इसको हम एनर्जी, क्योंकि विमान भी तो उड़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वहाँ से मुझे इम्प्रेशन मिली और मैं उसमें आगे बढ़ता चला गया। तो आप सर इसके सिलसिले में कई लोगों से मिले होंगे, आप बाहर गए हैं, आप कहाँ कहाँ का दौरा किया है आपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू, मतलब आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप किन किन लोगों से मिले हैं, कहाँ कहाँ गए हैं? शायद हर जगह, इंडिया के अंदर हर जगह गया हूँ, हर यूनिवर्सिटी में गया हूँ, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हर वहाँ पे हर प्रोफेसर से। इंडिया से बाहर भी गए सर आप? हाँ, रिसेंटली अभी मैं लास्ट ईयर किन्हीं, हाँ तो मैं वही पूछ रही हूँ कि कहीं आप जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं क्या आपने अपनी रिसर्च के बारे में उन्हें बताया, उनसे मिले हैं क्या? हाँ, तो वही सब बताइए कि आप कहाँ कहाँ गए, किन किन से मिले हैं। मैं अभी रिसेंटली दुबई गया था, वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्टों से मिला, वहाँ पे इन्वेस्टरों से मिला और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को देखा और उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, उनको समझा, उन्होंने अपने टेक्निकल्स को भेजा और जब उनको समझ में आ गया तो वो कहते हैं भाई आप इसको तैयार कीजिए यहीं पे। तो लेकिन चूँकि मैं करना ये इंडिया में ही है। अच्छा, सिंपल इंडिया की चीज़ है, इंडिया में होनी चाहिए। और यहाँ पे इंडिया की बात है, मैं बहुत सारे साइंटिस्टों से मिला हूँ, प्रोफेसर क्लासेस लेता था उनसे, उनसे समझता था चीज़ों को। जो सब ये हमें बता रहे हैं आपकी रिसर्च वर्क के बारे में, हम ये सब कैसे माने कि ये आप ही ने सोचा है, आप ही ने रिसर्च किया है, सबूत क्या है? यहाँ पे सबूत बहुत अच्छा मांगा जाता है और मैंने 2013 के अंदर पहला पेटेंट अप्लाई किया था, ये है मेरा पहला पेटेंट 2013 में, जो कि 2021 में मुझे ग्रांट हुआ है अभी। इसके बाद मैंने और भी कुछ पेटेंट्स अप्लाई किए हैं और जिसके अंदर ये है, मुझे अथेंटिसिटी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से, बहुत सारे साइंटिस्ट प्रोफेसर्स मेरी मदद कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और वो इसलिए मदद करते हैं कि उनको मालूम है कि ये प्रोजेक्ट बहुत आगे का है। तो सर ये जो आपका ये जो काम है, जो रिसर्च है, इतना इम्पोर्टेंट है, ये जो पेटेंट जो आपको मिलना था ये इतना इम्पोर्टेंट, तो आपने इसके लिए कब अप्लाई किया और आपको कितना समय लग गया इसको पाने के लिए? मैंने पहला पेटेंट 2013 में अप्लाई किया था, 2013 के अंदर, और ये मुझे ग्रांट हुआ 2021 के अंदर। ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी एप्लीकेशंस लगी हुई होती हैं, फिर पेटेंट को सर्च करके वो पूरा रीड करके उसके बाद वो उसको ग्रांट करते हैं। तो सर ये जो आपकी जो रिसर्च है, ये आपकी कोई टीम है मतलब जिसके साथ आप मिलके करते हो, या फिर आपने कोई लैब है जहाँ पे आप ये सारा काम करते हो, मतलब कैसे शुरुआत की, क्या किया, क्या है? तो टीम मैडम मेरा अब है कि और लेकिन मैं घर अभी लैब्स वगैरह पे काम नहीं कर रहा हूँ और इसके लिए मैं गवर्नमेंट की तरफ देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट मुझे इस
के अंदर सपोर्ट करे मेरी टीम के साथ में, ताकि इसको हम डेवलप कर सके प्रोटोटाइप के अंदर और एक फिजिकल मॉडल में। तो मतलब लैब में नहीं, आप वो जो आपकी टीम है वो आप घर पे बैठ के ही काम करते हैं इसके ऊपर? अच्छा, तो सर ऐसी क्या चीज थी जो आपके दिमाग में क्लिक हुई और मतलब आप उम्र के इस पड़ाव पर आ चुके हैं लेकिन फिर भी आप अभी हार नहीं मान रहे हैं, आप लगे हुए हैं, आपको इतना समय, आपने जब से रिसर्च करना शुरू किया उसके बाद आपको 2021 में आपको ये पेटेंट मिला। हाँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस प्रोजेक्ट को करने में पिछले 10-12 सालों में 100 बार से ज्यादा मुझे आत्महत्या के ख्याल आए और मुझे लगता था कि मैंने क्या कर दिया ये, लेकिन हाँ एक जज्बा, एक विश्वास वो मेरी जिंदगी के अंदर हमेशा चला कि कर सकता हूँ ललित, कर सकता हूँ और ललित तू करेगा, और उस हिम्मत और उस विश्वास को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। परेशानियाँ आती गई, कोई बात नहीं, आ रही कोई बात नहीं, लेकिन करता रहा और आज यहाँ पे आ गया। सर इसी से मिलता जुलता मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगी कि जब मतलब आप एक रिसर्चर हैं तो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय आप रिसर्च में लगाते होंगे, तो सर मतलब फैमिली पे आपका कोई इसका प्रभाव पड़ता है? लाइक फैमिली को आप टाइम उसको कैसे मैनेज करते हैं या फिर आपका फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहता है आपके इस रिसर्च में? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा है आपने और पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया मेरा। मैं फैमिली से अलग हो चुका हूँ, 2014 के अंदर अलग हो गया था, तो वो भी एक पार्ट था मेरी लाइफ का। और हाँ, अपने टारगेट के ऊपर मैंने शुरू से ध्यान रखा कि हाँ मुझे कुछ करना है तो करना है जी। क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा एक एम है कि मुझे समाज को कुछ देना है, और जब देने की भावना आ जाए तो मैंने ये चीज़ सोच ली थी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है तो करना है, और शायद भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना भी है। तो सर जो आपने इतने सालों से जो मेहनत करी है, तो अगर आप मतलब ये जो गवर्नमेंट के पास अगर आप ये अपना काम ले जाते हैं और अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और अगर नहीं भी करती है तो उसका क्या आपने सब्स्टिट्यूट सोच रखा है, और अगर करती है तो आप इसको कहाँ तक लेके जाएंगे आगे? मेरी पहली प्रेफरेंस गवर्नमेंट ही है कि गवर्नमेंट इसको लेके जाए ताकि समाज के उसमें आए। गवर्नमेंट लेवल पे बहुत तेजी से फैलेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकती है। और ठीक है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, अगर नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई ऊपर वाला है कोई ना कोई रास्ता देगा और उसको आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, बढ़ेगा जरूर, ये है। और गवर्नमेंट से तो सीधा मेरी एक वो है कि अब इस प्रोजेक्ट को आपकी इंटेंशन की ज़रूरत है, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, पैसे की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि मिलकर इसको हम आगे बढ़ा सकें, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि साइंस तब तक कामयाब नहीं है जब तक वो समाज की सेवा में ना आए जी। और उसके लिए चाहे यहाँ तक जाना पड़े, जब तक हूँ करूँगा जी। तो सर इसी के साथ मेरा आपके आखिरी सवाल कि अपनी इस मतलब आज की जो यूथ है, आप उसको अपनी इस रिसर्च से, अपने इस काम से क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को? जी, जज्बा, करना है तो करना है, देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, हमें देना है सबसे पहले, और जब देंगे तो जो खुशी मिलेगी उसका मजा ही कुछ और होगा, और उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना है तो करना है यार। मैंने यही लेके चला हूँ कि जिंदगी के अंदर कि करना तो करना है चाहे कुछ भी। तो जैसा कि हमने ललित जी से बात करी, उनकी मेहनत को सराहा हमने, उनके आविष्कार रिसर्च को हमने देखा, तो मैं भारत की सरकार से यही दरख्वास्त करूँगी कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करे ताकि वो जो उनका मेहनत है वो आके सफल हो और वो समाज और देश के लिए एक अच्छी मुकाम तक जा सके। और हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा, हमारा ये शो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।